अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैर तो आफियत के साथ होंगे। तो आज मैंने लेकर आई बहुत ही टेस्टी चिकन लॉलीपॉप्स की रेसिपी। आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट तरीके से बनी है, एकदम मस्त बनी है। तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने क्या करना है, एक बर्तन ले लेना है, धो लेना है। फिर यहाँ पे लेना हमें एक बड़े आलू, जो कि मैंने इसे छिलकर उबाल ली हूँ, उबाल कर छील ली हूँ। इसके अंदर डालेंगे हम मिर्ची हरी कटी हुई बारीक। इसके बाद डालना हमें बोनलेस चिकन, जो कि 100 ग्राम है। बोनलेस चिकन इस तरीके से उबाल के आप निकाल लें इसके लिए से। यहाँ पर लेना है थोड़ी फ्रेश कटी हुई धनिया, मुंबई में कोथमीर बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने लेना है चिली फ्लेक्स, लेना है हमें गरम मसाला, धनिया, कश्मीरी लाल मिर्च, और लेना है हल्दी, नमक, और ये लेना है हमें चाट मसाला। ये इसे क्या करना है, इसके अंदर हमें ऐड करके इसको अच्छी तरीके से हाथों से मिक्स कर लेना है। आलू को इस तरीके से हमें मिक्स कर लेना है कि यहाँ पे हमने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिए है। अभी क्या करना है, इसे एक बर्तन में हमें निकाल लेना है। तो यहाँ पे जो मसाले थे इस बर्तन में मैंने इसे निकाल के इसे रख दी हूँ। तो यहाँ पे हमने ब्रेड ले लिए। ब्रेड को क्या करना है, इसके ये कड़क वाले हिस्से को कैंची की मदद से आप काट के निकाल दें चारों तरफ से। इस तरीके से मैं निकाल दूँगी अच्छे से, और इस तरीके से निकाल लेंगे हम सभी को। इसी तरीके से हम निकाल लेंगे यहाँ पे सभी को इसी तरीके से काट के। इसको क्या करना, अच्छे से इसको बेल लेना है हमें पतला सा। यहाँ पे हमने इसे बेल लिए। अभी क्या करना है, एक चम्मच की मदद से हमें क्या करना है, इसके ऊपर इसे अप्लाई कर लेना अच्छी तरीके से। इस तरीके से हम इसे अप्लाई कर लेंगे अच्छे से, एक लेयर इसके ऊपर लगा देंगे इसके। हमें चारों तरफ से अच्छे से उसमें लेयर लगा लेंगे अच्छे से, मोटी सी थोड़ी सी, ना ज़्यादा मोटी ना ज़्यादा पतली। तो इस तरीके से मैं इस लेयर को लगा ली हूँ। अभी क्या करना है, हमने इसको इस तरीके से मोड़ लेना है। ये इस तरीके से हम इसे ऐसे मोड़ लेंगे इस तरीके से। यहाँ पे इस तरीके से कर लेंगे। उसके अंदर हम इस तरीके से आइसक्रीम की वो लगा लेंगे। तो इसी तरीके से हमने सभी को बना लेना है सेम इसी प्रोसेस में। देख सकते हैं आप लोग कि फाइनली यहाँ पे बनकर रेडी हो चुका है। अभी क्या करना, मैंने यहाँ पे 2 चम्मच मैदा ले लिया है, जिसमें हमें पानी डाल कर इसका पतला सा घोल बना लेना है। यहाँ पे हमने इसका पतला सा घोल बना लिया। अभी क्या करना, हमने एक लेना है, इसके ऊपर हमने इसके ऊपर इसे डीप कर लेंगे। डीप करने के बाद हमें इसे निकाल लेना है। उसके बाद क्या करना है, ब्रेड क्रम में इसे अच्छी तरीके से फिल कर लेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने सभी को सेम बना लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि फाइनली हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। अभी क्या करना, ऑयल यहाँ पे हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अभी क्या करेंगे, हम इसमें एक एक करके डाल देंगे पकने के लिए, इसको ब्राउन कलर आने तक का, इसको तब तक क्या हमें इसे थोड़ा सा पकाना। यहाँ पे हमारा ब्राउन कलर का कलर आ चुका है। अभी एक एक करके हम इसे निकाल लेंगे। एकदम अच्छा, एकदम क्रिस्पी देख सकते हैं आप लोग कि हर तरफ से एकदम क्रिस्पी हो चुका है। अभी इसे क्या करना है, हमें निकाल लेना है। तो इसी कलर में हमने सभी को बना लेना है। देख सकते हैं आप लोग कि फाइनली हमारी परफेक्ट तरीके से चिकन लॉलीपॉप ब्रेड बनकर रेडी हो चुकी है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।